से बात करेंगे। बीजापुर में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी एएसपी मिर्जा को जब ये पता चला कि डेंगू से पीड़ित एक मरीज को अगर एक घंटे के भीतर खून नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, तब पुलिस अधिकारी ने समाज के लिए मिसाल पेश करते हुए आधी रात को ही जाकर रक्तदान किया। दरअसल बीजापुर के जिला चिकित्सालय में डेंगू से पीड़ित 28 साल का सुक्कू पुनेम भर्ती था। एसएसपी का डेंगू मरीज के लिए किया गया यह सराहनीय कार्य न केवल अधिकारी वर्ग के लिए अच्छा संदेश दे रहा है बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। पवन दोगन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ना केवल पुलिसिंग बल्कि एक अच्छा संदेश और रक्तदान करके एक शख्स की भी जान बचाई। जी, ये पूरे समाज के लिए एक अच्छा मिसाल है और खासतौर से नक्सल इलाकों में जहां पुलिस को लेकर आदिवासियों में थोड़ी निराशाजनक मानसिकता रहती है, ऐसे में ये जो एक संदेश जियारत बेग जो एएसपी है उन्होंने दिया है, एक आदिवासी व्यक्ति जिनको डेंगू हो गया था, जिनको देर रात हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में एडमिट किया गया था, उनको खून देना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि उनकी जान बचाई जाए। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी देर रात को आते हैं और उन्हें खून देकर उनकी जान बचाते हैं, वाकई में एक मिसाल जियारत बेग साहब ने कायम किया है और एक संदेश भी सीधा सीधा देने की कोशिश की है कि जो पुलिस है वो यहाँ के आदिवासी यहाँ के लोगों के लिए हमेशा वो किसी भी टाइम वो सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मित्र पुलिस को लेकर लगातार कवायदें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो मित्र पुलिसिंग ही यहाँ पे सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।